पीटीआई रहनुमाओं का कहना है कि ममनुआ फंडिंग और फॉरेन फंडिंग में जमीन आसमान का फर्क है। पीटीआई का केस ममनुआ फंडिंग का है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में ऐसी क्या नई बात है जो हमें नहीं पता। हमें जो पैसा मिला है हमने डिक्लेयर किया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हम सब हिसाब देने को तैयार हैं, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी भी जवाब दे। ममनुआ फंडिंग और फॉरेन फंडिंग में जमीन आसमान का फर्क है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में नया क्या है? पीटीआई रहनुमाओं का रद्द अमल। फवाद चौधरी कहते हैं हमें जो पैसा मिला है वो डिक्लेयर है। ममनुआ फंडिंग और फॉरेन फंडिंग में जमीन आसमान का फर्क है। जो पीटीआई का केस है वो तो ना ममनुआ फंडिंग में आता है ना फॉरेन फंडिंग में आता है। जो ये वोटिंग क्रेडिट क्लास की जो कल की स्टोरी आई है, ये सारी की सारी पहली इलेक्शन कमीशन के सामने है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा पीटीआई सब हिसाब देने को तैयार है, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी भी जवाब दें। कानून सब पर लागू होता है, इलेक्शन कमीशन बयक वक्त सबको सुनकर फैसला दे। ये जो कानून है ये अप्लाई सबको करता है, सिर्फ पीटीआई को नहीं करता। जहां आप हमारी सुनवाई कर रहे हैं या आप हमसे हिसाब ले रहे हैं, जरूर लीजिए, लेकिन और जमातों को भी इसी कसौटी पर परखे और पर्याप्त वक्त सब का केस सुनकर आप फैसला दे दे। जो जो जहां खड़ा है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। प्रोग्राम रूबरू में पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा इनके चेहरे लटके हुए हैं, जल्द इलेक्शन कौम की जरूरत है। अब देखना यह है कि शहबाज शरीफ का धड़ा कामयाब होता है या नवाज शरीफ का। इस पे कोई शक नहीं कि जल्द इलेक्शन कौम की जरूरत है। वो जो नवाज शरीफ साहब से मुंसलिक फैक्शन है वो भी इस बात की निशानदेही कर रहा है। वो नून का हिस्सा जो इस वक्त हुकूमत में है, कलमदान संभालते हुए है, उनकी सोच मुख्तलिफ थी। अब देखते हैं कि असल शहबाज शरीफ का धड़ा कामयाब होता है या नवाज शरीफ साहब का धड़ा कामयाब होता है। पीटीआई रहनुमाओं का कहना था कि हुकूमत समंदर पार पाकिस्तानियों की फंडिंग रोकना चाहती है।